Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Epic. खुद ज्यादा शिक्षित ना होते हुए भी इस भारत रत्न ने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से भारत के करोड़ों बच्चों ने स्कूल जाना शुरू कर दिया। आइए देखते हैं। तमिलनाडु के एक गरीब घर से आने वाले कुमार स्वामी कामराज नाडार को बहुत छोटी उम्र में ही पढ़ाई छोड़कर अपने परिवार का पेट भरने के लिए छोटे मोटे काम करने पड़े, लेकिन 1990 की जलियांवाला बाग हत्याओं ने उनके अंदर के देशभक्त को जगा दिया और वो 16 साल की उम्र में ही अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में उतर गए। टीनेज में कामराज जी का आजादी के लिए जोश देखकर उनके आसपास के लोग उनसे इंस्पायर हुए और उन्होंने ऐसे हजारों लोगों को अंग्रेजों के खिलाफ मोबिलाइज किया। ग्रास रूट लेवल पर निरंतर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने की वजह से वो कई बार जेल भी गए और उन्होंने कुल मिलाकर 8 साल जेल में बिताए। इस दौरान वो एक लीडर के रूप में उभरे और 1937 में मद्रास के लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस जीतकर उन्होंने पॉलिटिक्स में एंट्री ली। भारत की आजादी तक कामराज जी ने लोगों के हक के लिए लड़कर पॉलिटिक्स में अपनी एक अलग जगह बना ली थी। इसीलिए उन्हें सी राजगोपालाचारी जी के बाद 1954 में तमिलनाडु का अगला चीफ मिनिस्टर चुना गया। कामराज जी ने सत्ता संभालते हुए सबसे पहले एजुकेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन पर फोकस किया। उन्होंने चेन्नई के पास उस समय एशिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल हब बनाया जो तमिलनाडु को उन्नति की राह पर ले गया। आज तमिलनाडु में कई मल्टीनेशनल कंपनीज की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं और यहां से कई देशों में प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट होते हैं। कामराज जी जानते थे कि शिक्षा इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और वो आजाद भारत की नई पीढ़ियों को शिक्षित करने में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने तमिलनाडु के रूरल एरियाज में एक सर्वे करवाया जिसके माध्यम से उन्हें पता चला कि 17,000 गांवों में से 6,000 गांवों में एक भी स्कूल नहीं था। उन्होंने तुरंत एक्शन लेते हुए सभी जगह प्राइमरी स्कूल्स शुरू करवाए और दूर दराज के इलाकों में जहां स्कूल्स खोलना संभव नहीं था वहां उन्होंने टीचर्स को गांव में भेजकर बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। लेकिन कामराज जी ये भी जानते थे कि बच्चे स्कूल में एडमिशन तो ले लेते हैं पर रोजी रोटी कमाने के लिए उनके गरीब माँ बाप उन्हें कुछ ही समय बाद स्कूल से निकाल कर काम पर लगा देते हैं। उन्होंने स्कूल्स में मिड डे मील्स की योजना शुरू करवाई जिसके तहत बच्चों को एक वक्त का पौष्टिक खाना स्कूल में ही मिलना शुरू हो गया। इस स्कीम ने एक इंसेंटिव की तरह काम किया जिसकी वजह से बच्चों का ड्रॉप आउट रेट कम हो गया और वो खुशी खुशी स्कूल आकर पढ़ने लगे। उस समय इकोनॉमिक और पॉलिटिकल वीकली के एक सर्वे के मुताबिक तमिलनाडु में इस स्कीम की वजह से ड्रॉपआउट रेट 40% से 22% हो गया और 6 से 11 साल के बच्चों का स्कूल में एनरोलमेंट रेट करीबन 100% के पास पहुंच गया। इस स्कीम की शानदार सफलता को देखते हुए उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर और देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी ने मिड डे मील्स को देश के हर सरकारी स्कूल में लागू करने का सुझाव दिया। 11 साल की उम्र में खुद स्कूल से ड्रॉप आउट हुए कामराज जी की इस स्कीम का लाभ आज करीबन 12 करोड़ बच्चे उठा रहे हैं और इसकी वजह से ज्यादा शिक्षा प्राप्त कर पा रहे हैं। अपनी पॉलिसीज की वजह से पहले तमिलनाडु और फिर देश का रुख बदलने वाले कामराज जी को कई बार देश के प्रधानमंत्री बनने का अवसर मिला, लेकिन उन्होंने खुद देश की कमान संभालने की बजाय किंग मेकर बनते हुए 1964 में लाल बहादुर शास्त्री और 1966 में इंदिरा गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाने का सुझाव दिया जो देश के सबसे मजबूत लीडर्स में से थे। भारत सरकार ने देश की उन्नति में कामराज जी के योगदान को देखते हुए
1976 में उनके मरणोपरांत उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया।